प्रातः क्लास चल रहा था, 13 फरवरी 1964 गुरुवार, बारहवें पेज के मध्य में बात चल रही थी शिव जयंती आई होगी, उसका मंदिर कहाँ है भला वो तो बताओ। शिव जयंती का तो मंदिर है नहीं, ये कभी है क्या? एकदम गड़बड़ हो जावे, कितनी मुश्किलात है ना गड़बड़ की बात। अभी क्या समझती हो, ये लिंग है या स्टार है? कोई ने कहा स्टार है? अभी देखो, आज बाबा ने समझाया, अभी आगे बहुत कोई आते नहीं है। बाप कहते हैं, आगे भी कहा था कि बच्चे मैं जो रोज पढ़ाने वाला हूँ, सो रोज रोज कुछ न कुछ नई नई बातें सुनाता रहूंगा। और जहां तक तुम जीवेंगे वहां तक सुनाता रहूंगा। कोई न कोई नई बात निकलती ही रहेगी। ये कोई रामायण भागवत वा फलाना नहीं है जो बैठ करके पढ़ा हुआ हो या पढ़ना है। तो मैं तुमको गुहे तो गुहे बातें सुनाता रहूंगा, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। कितनी भी सागर की मस बनाओ, जंगल की कलम बनाओ, तो भी इसका अंत नहीं आता है। इन भक्ति मार्ग वालों ने तो एक पाई पैसे की गीता बनाई दी। अभी दुनिया को कितना बदलना पड़े, वो भक्ति मार्ग वाले कहेंगे श्री भगवान वाच, ये कहे नहीं। कृष्ण भगवान वाच हो न सके, है तो शिव भगवान वाच। तो रात दिन का फर्क हो गया, सो भी शिव के रूप का कोई को भी पता नहीं है। चलो यहां रख दो। तुम कितने मीठे मीठे सिकीले बच्चे हो, ये कहां से मिले? इतने सिकील दे कहां से मिले? सिकील दे उनको कहा जाता है जो बहुत काल से बिछुड़े हुए हों, और बिछुड़ने के बाद कोई को मिलते हों। समझो,
कोई का बच्चा निकल जाता है, गुम हो जाता है और वो 15 वर्ष के पीछे मिलता है, कोई कोई 20 वर्ष के बाद भी आकर के मिलते हैं। बस फिर उसने देखा तो उनको एक दाम पकड़ लेते हैं, तो उनको कहा जाता है सिकील दहा, क्योंकि गुम हो गया था ना। तो तुमको भी तो माया ने गुम कर दिया ना, एकदम मेरे से बिछड़ गए, याद तक भी नहीं। अभी मिलते हो तो बाबा कहते हैं ओ कितने मेरे लाड़ले, तुम फिर से आकर के 5-4 वर्ष के बाद चक्कर लगाया। उफ, 5,000 वर्ष के बाद तुम चक्कर लगा करके फिर से मिले आए। कोई से भी पूछे अरे आगे कब मिले थे, तेरह 2 64 की वाणी का 13वां पेज कब मिले थे, तो कहेंगे हाँ बाबा हम 5-4 वर्ष पहले मिले थे और अब यहाँ क्यों आए हो। बाबा आपसे फिर से बेहद का वर्षा लेने के लिए आए हैं, बेहद का बाप है तो वर्षा भी बेहद का है। अच्छा भाई कौन सा वर्षा लेंगे, हम सूर्यवंशी वर्षा लेंगे। चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी वर्षा नहीं लेंगे। अगर कहें कि थोड़ा कम ले लेना, सूर्यवंशी न मिले तो चंद्रवंशी ले लेना, तो कहेंगे नहीं नहीं हम तो सूर्यवंशी ही लेंगे, कम नहीं लेंगे। देखो यहां ऐसे कहते हैं ना, तो हिम्मत दिखलाओ। किस बात की हिम्मत है, सूर्यवंशी वर्षा लेने की हिम्मत। और कोई की बातों में नहीं आ जाना, बाप को छोड़ करके और कोई की मत पर नहीं चलने लग पड़ना। मान लो इस्लाम वंशियों की बीज रूप आत्मा हो, बड़ी पावरफुल होगी। बौद्धी वंशियों की बीज रूप आत्मा हो, बड़ी पावरफुल होगी। क्रिश्चियन वंशियों की बीज रूप होगी, वो भी पावरफुल होगी। आज तो क्रिश्चियंस के 150-200 करोड़ फॉलोअर्स हैं और दुनिया की आबादी कितनी है, 500-700 करोड़। तो अगर उनकी बातों में आ गए और उनकी मत पर चल पड़े तो फिर सूर्यवंशी वर्षा मिलेगा, नहीं मिल सकेगा। सूर्यवंशी माना
एकदम ज्ञान सूर्य की मत पर चलने वाले। तो देखो यहां सभी ऐसे कहते हैं हम सूर्यवंशी वर्षा लेंगे। क्यों ऐसे कहते हैं? है? अगर इससे कम वर्षा लेंगे तो और धर्मों में कन्वर्ट होना पड़ेगा द्वापर युग से। तो बाप कहते हैं हिम्मत दिखलाओ। किस बात की? सूर्यवंशी वर्षा लेने की हिम्मत दिखलाओ। कितनी गुह्य बातें हैं। क्या उन गीताओं में ये बातें लिखी हैं? अच्छा और शास्त्रों में लिखी हैं? नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तुम बच्चों की जागती ज्योति होती है। क्यों है जागती ज्योति? एक ज्ञान सूर्य बाप से लौ लगाएंगे तो एक जैसी ज्योति होनी चाहिए। दूसरी क्यों होनी चाहिए? इन सब बच्चों की जागती ज्योति है ना। पीछे नंबर वार ऐसे भी नहीं है कि सबकी जाति जागती ज्योति होती है। इनकी तो जरा भी नहीं जागी है एकदम। इनकी इनकी तो एकदम ज्योति जागी नहीं है एकदम नहीं जागी। कौन? किसकी? इनकी। इनकी माना ब्रह्मा बाबा की। सूर्यवंशी ज्योति क्यों नहीं जागी? हैं? 64 तक भी नहीं जागी। क्यों नहीं जागी? कोई कारण होगा। अरे उन्होंने ब्रह्मा बाबा ने साकार में आए हुए ज्ञान सागर को पहचाना? पहचाना ही नहीं और ज्योति से ज्योति जगाई नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बनेंगे? कौन है? ब्रह्मा बाबा। कहेंगे बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। कब की बात है? 64 की बात है। 1964 से पहले ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान सूर्य बाप को पहचाना नहीं क्या? है? पहचाना? यज्ञ के आदि में ही नहीं पहचाना? पहचाना होता तो जब झगड़ा हुआ तो छोड़ करके कराची नहीं भाग जाते। इसलिए बोला एकदम बिल्कुल ही नहीं पहचाना। थोड़ी
थोड़ी पिछड़ी बची, क्योंकि ये प्रजा में आएंगे ना। नंबरवार जो होंगे ना, प्रजा में भी तो नंबरवार होते हैं ना, अभी समझते हो? देखो बाबा कितनी युक्ति से बतलाते हैं कि 10-20 दफा आते तो हैं, सुनते तो हैं, जब मम्मा आती है तो आकर के फिर चले जाते हैं, बाबा आते हैं सुनते हैं कभी कभी आ जाते हैं, तो उनका क्या हाल होगा? कहेंगे पिछड़ी लायक बनेगा, स्वर्ग का लायक बनेगा, उनका तो अहोभाग्य। तो उनको भी कहेंगे उनका भी अहोभाग्य। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा सबको याद प्यार देना, इकट्ठा भी कर सकते हो क्योंकि होलीडे तो है, परंतु जगह नहीं है, क्योंकि 3 पैर पृथ्वी का नहीं मिलता। क्या करें, ड्रामा अनुसार इस समय तक तो यही हाल है। आगे चल करके देखा जाएगा, हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े मकानों में तुम भोजन इकट्ठा पाओ, मधुबन में तो पा सकते हो, वो तो कोई बात ही नहीं है, परंतु इस समय फिर तुम मधुबन में भी इकट्ठे नहीं पा सकेंगे। हम लोग इतने भोजन इकट्ठे कभी नहीं पा सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये तो बहुत हो जाएंगे, इतनी बड़ी जगह भी नहीं होगी जितने बच्चे हो जाएंगे। कहाँ कहाँ की बात बताई है? माउंट आबू की बात बताई कि जितने ज्यादा बच्चे भविष्य में हो जाएंगे वो इकट्ठे भोजन नहीं कर सकेंगे। समझते हो बच्चे? अलग अलग सेंटर्स पर की तो बात अलग है, अगर मधुबन में बोल देवे कि आओ अभी तो मंगा सकते हैं, कितने बर्तन हैं, प्रबंध है, परंतु आगे चल करके तुम विचार करो, क्योंकि बच्चों की ये वृद्धि तो होती जाएगी, तो फिर कितने बर्तन चाहिए? होगा वहां तक होगा जहां तक हो सकेगा, बच्चे तो वृद्धि को पाते रहेंगे, और सबका फोटो भी तो हमको चाहिए,
जरूर चाहिए, क्योंकि तुम एक माँ बाप के बच्चे हो, इसलिए इकट्ठे बैठ करके भोजन करने का फोटो भी चाहिए। देखो कोई परिवार में बच्चे होते हैं तो फोटो नहीं रखते हैं क्या? बाप का भी रखते हैं, बच्चों का भी रखते हैं, तो वहां चित्रशाला भी लिखी हुई है, क्योंकि हमको बच्चों का मालूम नहीं पड़ता है कि किसकी चिट्ठी आई है, ये क्या है, तो सब बच्चों का ये भी बनाना है। क्या क्या बनाना है? अरे इकट्ठा भोजन करने का फोटो भी बनाना है, क्योंकि पासपोर्ट तो है ही, ये तो बाबा के पास भी जाते हैं कि बाबा इनकी आत्मा का हाल देखो, ये सब दिखलाते हैं। अभी ये बच्ची चाहे कि इनकी अवस्था क्या है तो झट बताई देगी, बाबा से पूछ करके आएगी तो बता देगी इतना परसेंट अभी कम है। संपूर्ण ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा और व्यक्त ब्रह्मा में इतना फर्क है, कितने कितने ब्रह्मा बताए, किस प्रकार के संपूर्ण ब्रह्मा। संपूर्ण ब्रह्मा माने संपूर्ण ब्रह्मा होगा तो क्या हो जाएगा? अरे संपूर्ण ब्रह्मा सो विष्णु हो जाता है, और अव्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त माने जो पर्सनालिटी में नहीं है, व्यक्त में नहीं है, व्यक्त माने इन आंखों से देखने में नहीं आता है, है तो लेकिन इन आंखों से देखने में नहीं आता। जैसे भूत प्रेत होते हैं तो इन आंखों से देखने में आते हैं, नहीं आते तो उनको कहेंगे अव्यक्त ब्रह्मा, उनको संपूर्ण कहेंगे। अव्यक्त ब्रह्मा को संपूर्ण कहेंगे, नहीं कहेंगे, और फिर व्यक्त ब्रह्मा। तो तीनों में इतना फर्क है, किसमें? इनकी आत्मा में फर्क है, क्योंकि देखेंगे तो आत्मा ही देखेंगे ना, तो झटपट बता देंगे, क्योंकि बच्चों के लिए ये ड्रामा में है, ऐसे नहीं है कि घड़ी घड़ी बैठ करके पूछते हैं। बाकी ये हम खुद भी समझ सकते हैं, हर एक अपनी अवस्था से समझ सकते हैं, जो कुछ पाप किए हैं, जो होते हैं वो सब लिख करके दे दो तो फिर आधा खत्म हो जाएगा, और फिर दूसरे तरफ में प्रारब्ध का हिसाब किताब भी है। वो हिसाब किताब भी खत्म होता जाएगा।
13:264 की वाणी का 14वां पेज। कोई 5 विकारों में फंस करके, कोई पाप करके इस तरफ है, तो फिर पाप तो नहीं करते होंगे। कोई भी किसको भी दुख दे करके अपने चौपड़े को बढ़ावेंगे तो नहीं। यहां ज्ञान में आकर के बढ़ा के नहीं जाना, खाते में नहीं ले लेना। कुछ जमा करते रहना, क्या करते रहना, औरों को ये नॉलेज दे करके, रास्ता बता करके, अंधों की लाठी बन करके उनको सुख देती रहना, तो तुम्हारे खाते में जमा होता रहेगा। बाबा भी कहते हैं, बच्चे जो किसको दुख देता होगा और ये दुख देने की आदत पड़ी होगी, वो अंत में दुखी होकर के मरेंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? जो दुखी होकर के मरेंगे उनका क्या रिजल्ट होगा? हाँ, दुखों की दुनिया में जन्म लेते रहेंगे। ये कोई साप नहीं है, परंतु ये तो ला कहता है, जिसको तुम दुख देते रहेंगे तो दुखी होकर के मरेंगे, और जिसको तुम सुख देते रहेंगे तो सुख में रहेंगे। सुखी होकर मरेंगे और अपना 21 जन्म सुखधाम में राजबाग करेंगे, क्योंकि बाप यहां तुमको बहुत मीठा बनाते हैं। इतना मीठे होकर के रहो जो कोई को भी कैसा भी किसी प्रकार का दुख नहीं मिले। ये बच्चों को बड़ी संभाल करनी है, ऐसे भी मुख से वचन ना निकले जो कोई को दुख हो जावे। इतना मीठा बनना है, टाइम लग जाता है। ऐसे नहीं है कि फिक्स टाइम में सब कोई हो जाते हैं। कौन सा फिक्स टाइम है? कोई फिक्स टाइम है? सुखदाई बनने का कोई फिक्स टाइम है? नहीं मालूम। बोला है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो फिक्स टाइम हुआ ना। कहाँ तक है? अरे 76 से लेकर के 40 वर्ष, में 40 जोड़ दिए तो क्या कौन सा सन आया? 2016-17 आया, उसके बाद 10 वर्ष का टाइम और है, क्योंकि 50 वर्ष बोला तो कौन सा सन आएगा? 2027
2027 ये तो फिक्स टाइम है, परंतु उस फिक्स टाइम में सब कोई नहीं संपन्न बन जाते हैं कि सबका देव अंग छूट जाएगा है। जो रह जावेंगे देवान नहीं छूटेगा, 2027 तक भी तो क्या होगा, जब तक देवान में जीते रहेंगे तब तक पुरुषार्थ करते रहेंगे, और फिर कोई को वहां कचहरी होती है, पूछा जाएगा आज किसी ने किसी का दिल दुखाया, तो वो हाथ उठाते हैं, पूछेंगे भाई क्या किया, तो कहेंगे वो ऐसा ऐसा किया। अच्छा अभी फिर आगे नहीं करना, क्योंकि रजिस्टर खराब होता जाता है, बच्चों को अपना रजिस्टर देखना चाहिए ना। तुम स्कूल में पढ़ते हो ना, तो रजिस्टर तो होगा ना, तो अपना रजिस्टर देखते रहना है, कहां हमारा रजिस्टर खराब तो नहीं होता है, माया कहां थप्पड़ तो नहीं मारती है, माया थप्पड़ मार के मायूस तो नहीं बना देती है, किसको दुख तो नहीं देते हैं, सुख देने आते हैं बाप, और ऐसे बाप का बनने में कितनी आनाकानी करते हैं, नहीं तो भक्ति मार्ग में कहते थे, जन्म जन्मांतर कहते थे बारी जाऊंगी कुर्बान जाऊंगी, मेरा तो एक दूसरा न कोई। तुम मात पिता हम बालक तेरे, हम जब बालक आपका बनेंगे तो आपसे ही घनेरे सुख लेवेंगे, ग्रंथ में या कहां न कहां गाया हुआ है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, ये किसके लिए गाते हैं, वो आकर के कहते हैं जिसके लिए तुम गाते थे वो मैं आया हुआ हूं, तो सबका सदगति दाता सुख देने वाला एक ही है, क्योंकि कोई भी मनुष्य मनुष्यों को सुख नहीं दे सकता है, देवताएं एक दो को सुख देते हैं, परंतु वो भी यहां की प्रारब्ध है, सारी दुनिया को सुख देने वाला तो दुनिया में कोई भी नहीं है, देवताएं भी नहीं है, धर्म पिताएं भी नहीं है, एक ही बेहद का बाप है जो सारी दुनिया को सुख देने वाला है। हाँ देवताओं का एक दो में सुख है,
इतना सुख है कि दुख का नाम निशान नहीं है। वो प्रारब्ध कहाँ की है? अभी संगम युग की है। तो जिनको ये प्रारब्ध बनानी हो सो बना दे। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा, मीठी मीठी मम्मा का, मीठे मीठे सिकिले बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार कहें, यह तो एक ला है। क्या कि भगवान भी सबको एक जैसा याद प्यार नहीं देते हैं। एक जैसे लाडले बच्चे नहीं हैं। नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार बच्चे हैं। अच्छा, सभी बच्चों को क्या, जो अभी आकर बच्चे बने हैं उन सभी बच्चों को जो नहीं बने हैं उन औरों को तो कोई भी नहीं। हम तो बच्चों को मुबारक देते हैं, अपना दीवा जगाने के लिए। आत्मा दीपक है ना, तो आत्मा रूपी दीपक का दीवा जगाना है। पुराना खाता चुकतू करके नया खाता सुख का जमा करने के लिए, पुराना खाता दुख का चुकतू कर सदैव के लिए फिर सुख का खाता जमा करना है। क्या कहा? सुख का खाता कब जमा होगा? कब से जमा होगा? अभी दुख का खाता चुकतू हो रहा है। चाहे याद के बल से, चाहे कर्म भोग से, फिर जब तुम संपन्न बन जावेंगे तो सुख का खाता बनेगा। तो वो सुख का खाता जमा करना है। ये जो संगम युग है ना, ये हर कल्प में था, बच्चों के लिए ही था। आधा कल्प दुख के चौपड़े पाप के योग बल से खत्म करना है। ये दुख के चौपड़े कब बनाए? द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक दुख के चौपड़े बनाए। वो चौपड़े अब योग बल से खत्म करना है। फिर योग बल और ज्ञान से हमको ऐसा नया चौपड़ा रखना है, ऐसा उनमें जमा करना है जो हम 21 जन्म कभी भी दुख नहीं देवे। ऐसा चौपड़ा जमा करना है। इसको कहा जाता है
कल्प का संगम युग। फिर पाप का खाता बंद कब है? जब तुम्हारी आत्मा संपन्न बन जाएगी तब पाप का खाता बंद हो जाएगा और पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। फिर पुण्य आत्माओं की दुनिया शुरू और पाप आत्माओं की दुनिया खत्म होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। अरे बोलने दो बोलने दो। सीता ने हनुमान को चूड़ामणि क्या है? चूड़ा चूड़ा कहाँ पहना जाता है? चूड़ी जहाँ पहनी जाती है वहाँ चूड़ा भी पहना जाता है। चूड़ी किस बात की निशानी है? है? अरे चूड़ी हाथ में पहनी जाती है ना, चूड़ा हाथ में पहना जाता है। हाथ किस बात की निशानी है? बुद्धि की निशानी है हाथ। जैसे इस हाथ से कोई चीज पकड़ी जाती है, ऐसे ही इस बुद्ध रूपी हाथ से ज्ञान की बातें पकड़ी जाती है। तो ये बुद्ध रूपी हाथ समझ लो और उस बुद्ध रूपी हाथ में बांधने वाला बंधन चूड़ी दिखाई गई। बड़ा बंधन है तो चूड़ा है, जल्दी नहीं टूटेगा, और छोटी मोटी तो चूड़ी कही जाती है, टूट भी सकती है। तो चूड़ामणि जो है वो सीता ने दी। क्या निशानी दी भगवान को? ये निशानी दी कि भगवान बाप की मत पर जितना सीता की बुद्ध रूपी हाथ चल सकता है, सीता का बुद्ध रूपी हाथ जिस श्रीमत में बंधन में बंध सकता है, इतना दुनिया में और कोई नहीं बंध सकता। इससे भगवान बाप समझ जावेंगे। क्या समझ जावेंगे? ये चूड़ामणि किसकी है? हैं? सीता की ही है। वो सीता ही शीतल स्वभाव वाली होगी। जो गर्म स्वभाव वाले होते हैं उनमें काम और क्रोध प्रवेश करता है, जिनकी इंद्रियां शीतल होती हैं उनमें काम और क्रोध गर्म स्वभाव प्रवेश ही नहीं करते। तो चूड़ामणि हनुमान को दे। और रुक जाओ भाई, रुक जाओ, माताओं को थोड़ा आगे कर दो। हाँ, भक्ति मार्ग गंगा का महात्म बड़ा है। इतवार का जमुना का महात्म बहुत। इतवार का? हाँ, जो रविवार है इतवार है वो कौन से धर्म में जास्ती माना जाता है? क्रिश्चियंस में रविवार का महत्व ज्यादा है। क्या? रवि माना सूर्य है, जो सूर्य का महत्व है, रविवार का महत्व है, संडे का महत्व है, वो क्रिश्चियंस में ज्यादा मान्यता है। और यमुना जो है किसकी पुत्री है? है सूर्य पुत्री है, तो वो तो किसको मानेगी? और सूर्य को ही मानेगी। जो
लक्ष्मी है वो किसकी पुत्री है? है हिमालय, हिम माना बर्फ, आलय माने घर, बर्फ का जो घर है दुनिया में इतना बड़ा घर बर्फ का घर और कोई है ही नहीं, चाहे कितना भी पहाड़ हो, सभी पहाड़ों पर बर्फ है ढलक जावेगी लेकिन हिमालय पहाड़ पर कभी बर्फ समाप्त ही नहीं होती। ऐसे हिमालय की पुत्री कौन है? है पार्वती। पार्वती कहो लक्ष्मी कहो बात तो एक ही है। आया समझ में? क्या क्या समझ में आया है कि यमुना का कनेक्शन रविवार से क्यों है? क्योंकि यमुना जो है वो दक्षिण में बहती है या गंगा दक्षिण में बहती है? यमुना दक्षिण में और गंगा उत्तर में। यमुना नदी जब पहाड़ से आती है तो सीधी दक्षिण में गिरती है। क्या ऊपर से आई और सीधी दक्षिण में जाती है। और गंगा सीधी नहीं जाती, कैसे कैसे है टेढ़ा हो करके फिर ब्रह्मपुत्रा नदी से मिलती है, फिर ब्रह्मपुत्रा नदी से मिलकर के सागर में जाती है। तो जितने भी धर्म हैं विदेशी धर्म हैं वो किसको ज्यादा मानते हैं? सूर्य को मानते हैं या चंद्रमा को मानते हैं? निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं? है निराकार को मानने वाले हैं। जो निराकारी स्टेज को धारण करने वाला है वो ही सूर्य है, चंद्रमा निराकारी स्टेज को धारण करने वालों में प्रथम नहीं है। तो जो सूर्य पुत्री यमुना है उसका जो जल है वो गंगा के समान निर्मल है या नदी नाले का जल उसमें ज्यादा मिलता है? हैं? हाँ, गंगा में नाले नहीं मिलते हैं। बड़े बड़े शहरों का कलयुग के अंत में कारखानों की गंदगी जाकर मिलती है, जो मनुष्यों की बनाई हुई गंदगी है। और जो नदी नाले हैं, नालों के साथ जो नदी जाती है वो तो जब से द्वापर बना तब से ही वो नाले बनने शुरू हो गए। और यमुना नदी में दिल्ली में पहुंच करके 7-8 बड़े बड़े नाले गिरते हैं। यमुना का जल तो बिल्कुल ही पीने योग्य नहीं रहता। अभी कलयुग की बात छोड़ दो, कलयुग अंत में तो सारे भारत के ऊपर विदेशियों का प्रभाव हो जाता है। पढ़ाई भी कैसी? विदेशी पढ़ाई है, नौकर चाकर बनाने वाली पढ़ाई है या राजयोग की पढ़ाई है? नौकर चाकर बनाने वाली पढ़ाई है। तो यमुना जो काली नदी कही जाती है, हैं? उसकी पूजा रविवार को होती है, जो सूर्य का बार कहा जाता है।
कर्ण को सूर्य पुत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्ण जो सूर्य का पुत्र है उसने कौरवों का साथ दिया या पांडवों का साथ दिया है, वो सूर्य पुत्र है, निराकार को मानता होगा या साकार को मानता होगा? निराकार को मानने वाला है, जैसे विदेशी निराकार को मानने वाले हैं। जो भी कौरव संप्रदाय हैं भारतवर्ष में वो विदेशियों की परंपराओं को मानने वाले हैं या भारतीय परंपराओं को मानने वाले हैं? कौरव संप्रदाय कांग्रेसी किसको मानते हैं? है विदेशी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, विदेशी तामझाम बना रहे हैं, विदेशी राजधानी बना रहे हैं, सब कुछ विदेशी विदेशी, सब तरह से विदेशियों को फॉलो किया जा रहा है। तो कर्ण को दिखाया है सूर्य पुत्र है। यज्ञ के आदि में सूर्य कौन था? कौन था ज्ञान सूर्य? जिस ज्ञान सूर्य को शास्त्रों में कहते हैं हनुमान ने हप पकड़ लिया, मुंह में दबा लिया, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो गया, वो हनुमान का पार्ट किसका है? ब्रह्मा वाली आत्मा ने सूर्य और सूर्यवंशियों को हप कर लिया यज्ञ के आदि में। माता योगी बन गई, बेटा तो हप करना हो जाने, ब्रह्मा माता है ना, तो ब्रह्मा माता को पति का सहयोगी बनना चाहिए ना। लेकिन यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा तो भाग खड़े हुए जब झगड़ा शुरू हुआ, तो सहयोगी बने या विरोधी हो गए? विरोधी हो गए। तो ज्ञान सूर्य का प्रभाव खत्म हो गया, ज्ञान सूर्य का प्रभाव खत्म हुआ तो रोशनी गायब हो गई। तब से लेकर के और 76 तक ज्ञान सूर्य गुप्त रहा या प्रत्यक्ष हुआ? गुप्त रहा। उस ज्ञान सूर्य के गुप्त होने की यादगार, ज्ञान सूर्य के डाउनफॉल में चले जाने की यादगार, ज्ञान सूर्य के छिप जाने की यादगार आज तक भी कहां बनी हुई है? माउंट आबू में यादगार बनी हुई है। क्या नाम है उस पॉइंट का? नाम क्या है जहां लोग जाके बैठ के देखते हैं? है सनसेट पॉइंट। बाबा दिखवाते तो नहीं हो, नहीं दिखवाते माउंट आबू हम, माउंट आबू में नहीं दिखवाते, हम लोग नहीं देख पाते। वो आपको इसीलिए नहीं दिखाते, अगर आपको दिखा देंगे तो आपकी बुद्धि में आसानी से समझाया जा सकता है कि जो सनसेट पॉइंट है वो किस टाइम की यादगार है, किसकी यादगार है। ये ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सूर्य कार्य कर रहा था उस ज्ञान सूर्य की यादगार है कि वहां गुप्त हो गया? ओम शांति।